हेलो गाइस, कैसे हो यार आप लोग। जैसे कि मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने फ्रीज प्लॉट के बारे में। जैसे कि उड़ीसा जेई का काउंसलिंग चल रहा है तो फ्रीज प्लॉट का भी आपको नियम पता होना चाहिए। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था फ्रीज प्लॉट के बारे में, तो आप लोगों ने शायद देखा या नहीं देखा मुझे नहीं पता, बट मैं इस वीडियो में जो बताने वाला आपको फ्रीज प्लॉट के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो उससे पहले फ्रेंड, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना और चैनल को शेयर जरूर कर देना ताकि और लोगों को हेल्प मिल सके फ्रीज प्लॉट के बारे में। तो उड़ीसा जेई के अंदर फ्रीज प्लॉट क्या होता है, तो फ्रेंड मैंने एक लिंक भी आप लोगों को दे रखा है डिस्क्रिप्शन का। किसी को पेड काउंसलिंग करवाना हो, चाहे पेड की अगर हेल्प चाहिए, अगर पेड काउंसलिंग के थ्रू अगर आपको काउंसलिंग करवाना हो तो आप उस लिंक के जरिए वहाँ पर आप ऐड होकर अपना पेड काउंसलिंग की जानकारी ले सकते हो। साथ साथ आप पेड काउंसलिंग भी करा सकते हो। साथ साथ फ्रेंड अब बात करते हैं टॉपिक को, तो फ्रीज प्लॉट क्या होता है। फ्रीज आपका होता है कि जैसे आप फर्स्ट चॉइस फिलिंग कर रहे हो, इसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा फर्स्ट अलॉटमेंट, तो आपको अगर अपना मनपसंद कॉलेज मिल गया और आपके मनपसंद ब्रांच मिल गया और आपको वहीं पर एडमिशन लेना है तो आप वहाँ फ्रीज करोगे। फ्रीज करने करोगे देन प्लॉट क्या होता है कि मान लो आपको पसंद का कॉलेज नहीं मिला और आगे आप नेक्स्ट राउंड में प्रोसेस करना चाहते हो तो प्लॉट करोगे। तो इन दोनों में आपको जो भी अमाउंट है, जो आप अमाउंट पे करोगे ओजी के वेबसाइट पर, तो आप जिस कॉलेज में भी एडमिशन लोगे जो भी आप अमाउंट पे करोगे, जैसे जनरल कैटेगरी वाले फ्रेंड है तो उनके लिए 10,000 रुपये अमाउंट तय किया गया और जो भी SC ST कैटेगरी वाले उनके लिए 5,000 रुपये जो आप पे करोगे, या आपकी जो फीस होगी कॉलेज की उसमें आपका डिडक्शन हो जाएगा। तो इसमें टेंशन की बात नहीं है कि आपका जो पैसा एक्स्ट्रा लग रहा है फ्रीज प्लॉट में, तो आप फ्रीज करो फिर भी आपको पैसा पे करना, प्लॉट आप पे करोगे तभी आपको पैसा पे करना, तो प्लॉट करके आप आगे नेक्स्ट राउंड में जा सकते हो। तो आपको प्लॉट करना जरूरी होगा। मान लो आपके पसंद का कॉलेज नहीं मिला तो प्लॉट करोगे, फ्रीज में आपको मनपसंद का कॉलेज मिला तो फ्रीज करोगे फ्रेंड। तो ये बात रहा फ्रीज प्लॉट के बारे में। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर ही सकते हो। साथ साथ मैंने पेड काउंसलिंग का भी आपको डिटेल्स दे चुका हूँ, पेड काउंसलिंग भी आप वहाँ से करा सकते हो। आप पेड काउंसलिंग के थ्रू भी अपने हेल्प ले सकते हो, जो भी आपके कटअप है, जो भी आपके रैंक है, जो भी आपके डिटेल्स आप वहाँ से जान सकते हो पेड काउंसलिंग के थ्रू फ्रेंड। बाकी फ्रेंड चैनल पर नए हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आप तक ऐसे ही बहुत सारे OG के अपडेट मिलते रहेंगे हमारे थ्रू। बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए नमस्कार, बाय बाय।